हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इन जावा। दोस्तों, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैंने ऊपर दिया है। आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको पता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे है वो ये है कि जैसे कि मैं जो मेरी फाइल रहेगी, सपोज abc.java में मैंने मेरा जावा का प्रोग्राम लिखा है, तो मुझे उसे पहले क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। सक्सेसफुल कंपाइल करने के बाद में मैं उसे रन करूँगा। तो रन करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं जावा, फिर क्लास का नाम, ठीक है, मतलब जो क्लास फाइल होती है उसका नाम, और इसी लाइन से मतलब ये जो एग्जीक्यूशन है यही से मैं वैल्यूज को पास कर रहा हूँ मेन प्रोग्राम को, मेन क्लास को। दो नंबर के एडिशन जो है ये मुझे रिटर्न करेगा, मतलब मेरा जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि सम ऑफ 5 एंड 10 इज 15। चलिए दोस्तों, अभी जो है मैं आपको इसके लिए प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। तो जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लास, क्लास का नाम लिख रहा हूँ मैं ABC, ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद मुझे देना होता है जो मेरा मेन क्लास है वो होता है मेन मेथड की वजह से, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मेन मेथड, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और फिर इसके अंदर हमें लिखना होता है आर्गुमेंट स्ट्रिंग args का एरे। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम हम जब भी करेंगे तो हमें इसी का यूज करना है। ये जो आपको दिख रहा है पैरामीटर स्ट्रिंग args, तो इसका ही हमें क्या करना है, यूज करना है। मतलब वहां से मैं जो भी नंबर रीड करूंगा वो इनमें स्टोर हो जाए। अब इसके लिए भी हम एक बॉडी लिख देते हैं। अब यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक जो हम वैल्यूज पास करेंगे वो args में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ से मैं इंटीजर वैल्यू सेंड कर रहा हूँ इस एरे में, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला काम यह है कि मैं इसे कन्वर्ट करूँ इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे फिर 3 वेरिएबल लिखना है, जैसे कि इंटीजर a, b, c। तो जो भी नंबर मैं रीड करने वाला हूँ कमांड लाइन से उसे मैं स्टोर करने वाला हूँ ए और बी में, और सी में इनका रिजल्ट स्टोर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ए इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int, और इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं args ऑफ जीरो, ठीक है। अच्छा, अभी ये लिखने की जरूरत क्या है मुझे, क्योंकि args ऑफ जीरो जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो ये रैपर क्लास में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और ये उस रैपर क्लास की मेथड है, दैट इज पार्स int। तो ये मेथड का काम क्या है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इंटीजर डॉट पार्स int ऑफ args ऑफ जीरो। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो पहला नंबर मैं रीड करूंगा वो स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मुझे बी के लिए भी यही लिखना है कि इंटीजर डॉट पार्स int, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं args ऑफ 1। चलिए, दो नंबर तो मैंने क्या कर लिया, अभी रीड कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन ये लेना होता है, यूजर अगर वहां से नंबर सेंड करेगा, वहां से पास करेगा, तो ही ये एरे क्रिएट हो जाएगा। अगर यूजर सपोज वहां से वैल्यू पास नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो हम ये वैल्यू यूज कर रहे हैं, मतलब जब तक वहां से वो वैल्यू पास नहीं होगी ये जो एरेज है, मतलब args ऑफ 0, args ऑफ 1, ये क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर एक रन टाइम एरर आ सकता है, और वो एरर रहेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो वो रन टाइम एरर जो आते हैं उन्हें हम एक्सेप्शन कहते हैं जावा में, तो उन्हें हमें हैंडल करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमें लगता है कि रन टाइम एरर यहाँ पर आ सकता है, उसके लिए हम ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे, दैट इज ट्राई कैच स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए जो भी कोड मुझे लगता है कि जहाँ पर एरर आ सकता है उसे मैं इस ट्राई के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर सपोज यहाँ पर कोई एरर आता है तो हम इसके लिए एक कैच स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक्सेप्शन, ये इसका आर्गुमेंट है, एक्सेप्शन एक क्लास है, और एक्सेप्शन का आर्गुमेंट लिखा है मैंने ई। तो इसकी भी एक क्या होती है, बॉडी होती है, और इस बॉडी में हम लिखेंगे जो भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ है उसे हम डिस्प्ले करेंगे। ये जस्ट एक प्रिकॉशन होता है। तो इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं system.out.println, और यहाँ पर सिंपली मैं ई लिख दे रहा हूँ, मतलब जो भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ट्राई में हमें क्या लिखना है, कौन सा कोड लिखना है जहाँ पे हमें लगता है कि एक्सेप्शन जनरेट
हो सकता है। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर। चलो तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दो वैल्यूज को तो रीड कर लिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, एडिशन करना है। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। चलो एडिशन भी हो गई, अब हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिस्टम का एस कैपिटल डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ डबल कोटेशन के अंदर। तो इसकी भी एक खासियत है दोस्तों सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की, कि जो पार्ट आपको एज इट इज लिखना है वो आपको डबल कोटेशन में लिखना होता है। सो मुझे सम ऑफ ये पार्ट एज इट इज लिखना है, तो इसे मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ। लेकिन सपोज वहां से वैल्यू मैंने पास किया है 5 और 10, तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है सम ऑफ 5 एंड 10, ठीक है। तो 5 वाला जो पार्ट है वो वेरिएबल वाला पार्ट, तो उसे मैं डबल कोटेशन के बाहर लिखूंगा। लेकिन डबल कोटेशन वाला पार्ट और बिना डबल कोटेशन वाला पार्ट, इनको अगर हमें जोड़ना है तो हमें कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करना है, दैट इज प्लस का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सम ऑफ, फिर यहाँ लिखूंगा मैं ए, फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस, क्योंकि अगेन मुझे अब क्या करना है, स्टैटिक पार्ट डिस्प्ले करना है, मतलब एज इट इज जो डिस्प्ले करना है। तो सम ऑफ ए एंड अगेन यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस साइन, फिर यहाँ लिख रहा हूँ बी, सो अगेन प्लस, फिर डबल कोटेशन, और यहाँ लिख रहा हूँ सम ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं प्लस करके सी। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, इसे हम अभी सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, कमांड लाइन आर्गुमेंट समझने में आपको अगर दिक्कत हो रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिए। चलिए तो अब हम इसे क्या करते हैं, इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम पहले हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं जावा सी, और फिर मेरे फाइल का नाम दैट इज एबीसी डॉट जावा। दोस्तों यहाँ पे कोई एरर नहीं है। फिर अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जावा एबीसी। अब यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करता हूँ, तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है कि जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि हमने क्या किया है, कोई वैल्यू पास नहीं किया है, लेकिन वहां पर ARGS ऑफ 0 और ARGS ऑफ 1 को हमने यूज किया है, उस वजह से रन टाइम एरर यहाँ पर जनरेट हो गया। लेकिन अब अगर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं जावा एबीसी। जावा क्या होता है दोस्तों, ये होता है इंटरप्रिटर, और एबीसी क्या लिख रहा हूँ मैं, क्लास फाइल। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ 5 स्पेस 10। देखिए आंसर आया हमारा सम ऑफ 5 एंड 10 इज 15। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।